आप इस मॉडल में देख सकते हैं, इस मॉडल में यहाँ क्रस्ट, मेंटिल एवं कोर के रूप में ये पूरा स्ट्रक्चरल एक मॉडल यहाँ पर बना हुआ है। और क्रस्ट, मेंटिल, कोर में चूंकि हमारा संबंध कोर से अधिक है, मेंटिल से अधिक है, इसलिए मेंटिल को बिना डिवाइड किए हमने यहाँ रखा है, लेकिन कोर का वो दोनों डिवीजन यहाँ पर हम आपके सामने मॉडल में आपको दिखा रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि मेंटिल से ठीक नीचे आपका लिक्विड आउटर कोर और उसके नीचे गोल सा जो आपको दिख रहा है वो सॉलिड इनर कोर दिख रहा है आपको। अगर हम यहाँ देखें तो ऊपर से नीचे, जो पहले वाले लेक्चर में आपको मैंने बताया भी कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, ये सब कुछ चेंज होते जाएगा। यहाँ आप इस मॉडल में देखिए, जहाँ मेंटिल की शुरुआत होती है, यानी क्रस्ट के ठीक नीचे मोहर डिसकंटिन्यूटी से मेंटिल की जब शुरुआत होती है, तो वहाँ से लेकर और 2900 तक ये पूरा मेंटिल का विस्तार है,